नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा लेखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस राज्य रे 1741 नुवा कोरोना आक्रांत चिन्हट क्वारंटाइन रो 1015 लोकल के 726 सुंदरगढ़ रो सर्वाधिक 268 खोर्धा रो 204 पॉजिटिव सेपडे दुई मुंडो नेला महामारी देशरे उपर मुहा कोरोना संक्रमण मासक भितरे 15,500 रु 1.5 लाख टपिला दैनिक संक्रमण कटकड़ा न मानिबा को मुख्य कारण बोली कहिले विशेषज्ञ पिपिली रे निर्वाचनी हिंसा डेलांगरे प्रचार बेले हिंसाकांड बीजेडी कर्मी को माड़े 3 बीजेपी कर्मी आहत बीजेपी कहला हारिबा भयरे रक्त मुखा बीजेडी एम्स हॉस्पिटल रे आहत को भेटिले बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती पिपिली प्रचार मैदान को आज ओल्लाइबे बीजेडी सुप्रीमो कोरोना संक्रमण जो भर्चुआल राली करी रुद्र मराठी मागे भोट सेपटे बीजेपी प्रार्थी आशुतोष पट्टनायक प्रचार करेंगे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी भद्र चल बदले पुलिस मात्राधिक कार्यानुषान मास्क चेकिंग ना आरड़ी पीठ को आसुवा श्रद्धा को माड़ मारी अभोग सोशियाल मीडिया भिडियो भाइराल आज राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक दिन 12:30 भिसी माध्यम रे जोगदेवे मुख्यमंत्री लोकसभा भवन में उपस्थित रहे अन्य मंत्री किसी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे बाजिपे गजपति पारलाखेमुंडी जाजपुर ग्राम से 44 धारा जारी कला जिला प्रशासन आज 21 तारीख जाए जारी रटका मां नाकटी भवानी ठाकुरानी जतारे जनसमागम लगला रोक एवं गैंगस्टर गायब पछरे बड़ गेम संदेह नाकाबंदी करी हैदर को खोजुची ओडिशा पुलिस कार्य अवहेला पई 7 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड राज्य में द्रुत गति में बढ़िबारे लागी कोरोना संक्रमण दैनिक संक्रमण विपज्जनक हर में माड़ चली जी समय गढ़ुची संक्रमित तालिका से लंबुची गत 24 घंटे राज्य में 1741 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटाइन 1015 जन थी बेले 726 जन रोगी स्थानीय संक्रमण होते सुंदरगढ़ सर्वाधिक 268 चिन्हट होता बेले खोर्धार 204 जन आक्रांत चिन्हट होती मिशाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमितों संख्या 351,302 को छुई एने सूचना लोकसंपर्क विभाग पक्ष सूचना प्रदान सूचना योग्य राज्य में वर्तमान सुधा मोट 351,302 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होते एतिम 9,269 जन आक्टिव केस रहता बेले 340,062 जन सुस्थ हो घर को फेरी 1926 जन मृत्यु होता बेले 53 जन मृत्यु अन्य रोग जो एवं सुधा राज्य में 94,456 सांपल टेस्ट हो दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना आम सहित जोड़ी तबे दिव्यज्योति कहवा लगातार भाव 1000 रु अधिक पॉजिटिव सामना को आसुचंती आज 1741 अर्थात 2000 छुईवा को आउ मात्र कईटा संख्या रही तेणु कोटना कोटी स्थिति बिगड़ुछि तबे राज्य में द्रुतगति में बढ़ी चली कोरोना संक्रमण तबे दैनिक विपज्जनक हार में माड़ चली संक्रमितों संख्या जी समय गढ़ुची संक्रमितों तालिका से लंबुची तेणु कोटना कोटी विशेषज्ञ मत यह कहते जे अवहेला अवहेला जो कटकड़ा न मानवा जो स्थिति वर्तमान बिगड़ुचे दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना जोड़ी दिव्य जे गोटे पटे संक्रमितों संख्या बढ़ुंट एपटे विशेषज्ञों कहवा कथा जे कटका न मानवा मुख्य कारण निश्चित भाव में निवेदिता आप देखिए राज्य में भाईरस गोटे प्रकार भयंकर रूप ले द्रुत गति से आगे बढ़ुची आज जो परिसंख्या सामना को आसू बेस अनुमेय जे राज्य में आग को स्थिति के भयंकर हे कारण विगत 12 दिन भितर 10,385 संक्रमित चिन्हट हो सारे जदि 1 तारीख कटा कह एप्रिल पहला जो सामना को आसला जो दिन संक्रमित संख्या थी 394 आज संख्या बढ़ी 1741 पहुंचले तो ये आप अनुमान करते हैं ये 12 दिन भितर जो 10,385 संक्रमित चिन्हट हो सारे तो आग को स्थिति के भयंकर हे आ गोटे कथा आप देखु आज जो स्थिति रही धीरे धीरे 2000 मुहां है संक्रमण गत 24 घंटा आप
सीमांत रही सहित अंपटे सुंदरगढ़ जिले में लोक मैंने कटकणा को मानु ना विशेषकर राउरकेला देखिए सिटी अंचल रही दृष्टिकोण बर्तमान सुंदरगढ़ सरकार फोकस रोचे अंपटे खोर्धा जिला जो राजधानी रही राज्य राजधानी भुवनेश्वर रही जिले में संक्रमण संख्या बेस द्रुत गति से बढ़ुची आज एटी 204 संक्रमण संख्या रही जो आकलन करा भुवनेश्वर प्राय 180 संख्या रही केवल ये भुवनेश्वर सिटी एरिया रे आउ गोटे कथा आप देखिए 100 उपर मध्य तीनोटी जिला रही बालेश्वर संबलपुर कलाहांडी ये तीनोटी जिला आज 100 उपर रही राज्य 7 जिला बर्तमान 50 उपर रही क्यों ना कौटी पाखापाखि 70 रु 19 टी जिला बर्तमान स्थिति संगीन अच्छी आप देखिए विगत 15 दिन भितर 25 गुणा वृद्धि पाई संक्रमित संख्या या सहित आज राज्य में 2 मुंड नहीं कोरोना नुआपड़ा जिले में 2 जन संक्रमित आज मृत्यु होती तो क्यों ना क्यों ये जो संख्या बर्तमान 1928 पहुंची राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या बर्तमान 1928 पहुंची तो यही सब दिग्गज जो आकलन करेंगे विशेषज्ञ मान कह कथा राज्य सरकार हूँ केन्द्र सरकार हूँ जी आगर कटक करते बर्तमान टे कोहल पड़ जाइए व्यवस्था टे कोहल हो जाए लोक मैंने आहरी अमानिया लोक मानी कटक स्ट्रिक्ट लगा जाता लोक मैंने कटक मानते पूर्व सचेतनता आसुनी जो संक्रमण बढ़ुच्छे एक विशेषज्ञ माने मत रखुच्च बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए संपर्क में आम सहित आलोचना करुथले सेबड़े देश में कोरोना संक्रमण उपरमुहा मार्च 1 तारीख में देश में 15,500 नुआ मामला चिन्हट होता बेले मासक परे एप्रिल 11 देढ़ लक्ष टपिची संक्रमितों संख्या अनेपटे दैनिक कोरोना जनित मृत्यु संख्या एवं 800 पाखापाखी रोची देश में द्वितीय लहर द्रुत संक्रमण पक्षर कारण कहते विशेषज्ञ और डाक्तर केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार लोके कोरोना गाइडलाइन को कड़ाकड़ी भाव पालन न करिबारु आज कोरोना भयंकर रूप नहीं मास्क पिंधिबा और सामाजिक दूरता रक्षा सह सानिटाइज भली सतर्कतामूलक पदक्षेप नेले कोरोना को दूरे हेबो बोली कहिसंती केन्द्र सरकार अनेपटे विशेषज्ञ माने मध्य कोरोना नियम पालन अवहेला को द्रुत संक्रमण बड़ कारण बोली कहिसंती टीका नेबा परे मध्य कोरोना प्रोटोकॉल मानिबा को परामर्श देइछंती विशेषज्ञ तेबे सप्ताहे 9 पूर्ण राज्य रे पॉजिटिव को संख्या अधिक मात्रा रे चिन्हट होउछन्ते आ विशेष करी रेलवे स्टेशन नु गोटी परे गोटी पॉजिटिव सामना को आछन्ति कहबा को गले 30 रु ऊर्ध पॉजिटिव स्टेशन नु चिन्हट होइछन्ति जाकुने बीएमसी विशेष करी टेस्ट उपरे गुरुत्व दैछि एवं पूर्वरु ए प्रक्रिया आरंभ होइछि एवं वर्तमान बीएमसी रो स्वतंत्र टीम गठन करा दैछि याकु यात्री स्वागत करथुआ बळे आउ किछि मध्य विरोध करिछन्ति चिन्मयी साहू आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए संपर्क में सदासर्क आलोचना आम सहित जोड़ी चिन्मयी जदि कहबा जे जदि स्थिति गोटेपटे राज्य में बिगुड़ी आप जानते हैं दैनिक संक्रमण मामला 1,000 ऊर्ध सामना को आसुची विशेषकर राज्य सरकार हूँ भारत सरकार हूँ जदि कहबा टेस्टिंग आउ ट्रैकिंग को बेस गुरुत्व दौरान टेस्टिंग जिते बढ़ुच्च संक्रमित से सामना को आसेषकर जदि कहबा जे रेलवे स्टेशन बर्तमान सुधा 30 रु ऊर्ध पॉजिट आसले स्थिति किभली देखुं लोक या को केते दूर स्वागत करछंती एबो लोकों को मधरे कोन रिएक्शन आसुचे संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी कह भुवनेश्वर कौन राज्य स्थिति भयंकर रोच 24 घंटे 1741 संक्रमित चिन्हट होती कह सुंदरगढ़ में सबुठ अधिक 268 संक्रमित होता बेले खोर्धारे 204 चिन्हट होती कह राज्य में 2 जन कोरोना पॉजिटिव 2 जन मृत्युबरण कर सप्ताहे 9 पूर्ण पॉजिटिव संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी सहित 30 रु ऊर्ध पॉजिटिव संख्या बाहरी केवल रेलवे स्टेशन यहाँ बीएमसी तरफ जो व्यवस्था करा जाए कड़ाकड़ी भाव में व्यवस्था करा कि किभली भाव में टेस्टिंग अधिक मात्रा रे करा जाए पारे एवं जो मैंने बाहर आसुचंती बाहर राज्यर हो बाहर जिलार आसुचंती किपरी भाव में टेस्टिंग करी भीतर को
अणा जाइ परबे जो माने एग्जिस्ट गेट रे बाहरु जोंदि से मानकर थर्मल स्कैनिंग कराउची जो मानकर टेंपरेचर अधिक रहिची से मानकर एंटीजन टेस्ट पई रखा जाउची एवं से मानकर प्रॉपर डिटेल्स मध्य रखा जाउची जदि कहबा आज सकाळु एही कार्यक्रम आरंभ होईची आमे बेछु रेलवे स्टेशन आपण सीधा सळक दृश्य देखि परथबे जो माने रेलवे स्टेशन नु बाहर राज्य रु फेरु जोंदि से मानकर किभळी भाबरे टेस्टिंग चालीची एवं थर्मल टेस्टिंग परे से मानकर डिटेल्स गुडी को रखा जाउची एवं ता परे से मानको छडा जाउची तो आम सहित बीएमसी रो जने अधिकारी अछन्ति किभळी भाबरे आज चालीची ए प्रक्रिया आमे सीधा सळक तांकर प्रतिक्रिया रेबे एवं सीधा सळक तांकर सहित कथा बा सर कोन कहबे आज केमति कोन चालीची प्रक्रिया जो माने जो बाहर राज्य रु जो माने आसुचन्ति से मानको कि केमति कोन व्यवस्था गवर्नमेंट को नुआ गाइडलाइन अनुसार बाहर रु जे कोन से पैसेंजर ओडिसा बाहर आसीबे तांको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ वैक्सीन सर्टिफिकेट धरिक आसार अच्छे तो जो मैंने आनी नहांती होम आइसोलेशन 7 days से आमर ये काउंटर रेलवे स्टेशन 8 काउंटर बनाई तो आमर टीम अच्छे फास्ट तक से चेक कर सर्टिफिकेट अच्छी ना नहीं नेगेटिव रिपोर्ट अच्छी ना नहीं जो मान आनी नहांती रजिस्ट्रेशन चली तो से रिपोर्ट को कंपाइल कलापर मैं विभिन्न राज्य जिला पठे दिजाव आम बीएमसी एरिया से आमर एनफोर्समेंट एनसोर कर आइसोलेशन रोचंदी सर केते दिन कोन एमटी चालिबो जेते पंद नेक्स्ट ऑर्डर आसीनी सेते पंद चालिबो सकाळो केते कोन एमटी माने आरंभ माने केतेटा रो आरंभ होतला केते सकाळो आज सकाळ 6 टा रो आरंभ होई सारी छि केते कोन लोकंकर एमटी रजिस्ट्रेशन सरले काउंट तो वेर एग्जैक्ट काउंट जाना नै किंतु कंप्लीट चालिबो 24 आवर ए प्रोसेस ता चालिबो निहत भाव नवेदिता आपन जे सुनुथिले लोक मानकर जो माने भितर को एंट्री करुछंती से मानकर प्रॉपर भाव रे रजिस्ट्रेशन करा जाउछि जो मानकर नेगेटिव रिपोर्ट अछि से मानको स्टेशन भितर को अलाउ करा जाउछि जो मानकर टेस्टिंग रिपोर्ट नाही से मानकर थर्मल स्कैनिंग तापर टेम्परेचर जो मानकर अधिक रहिछि से मानकर रजिस्ट्रेशन करा जाउछि एवं से मानको एंटीजन टेस्ट पय करा जाउछि आम सहित केते जन यात्री मध्य अछन्ते आमे से मानकर चेष्टा करबा सीधा सळक प्रतिक्रिया नबक सर आपन को फास्ट बेंगलोर कले आर्टिकल रिपोर्ट आनीचु डबल कोविड टीका देचु आम आर्मी बाला हाँ निवेदिता आपण सुनुथले जो माने जो मानक पाखरे नेगेटिव रिपोर्ट अछि एवं जो माने एक्चुअली टीका नै चोंदी से मानको भितर को अलाउ कराय छि जो मानकर टीका नै नै आमे चेष्टा करबा आउ किछि यात्री मानकर प्रतिक्रिया नै पई भाई कोठ आछु मो बेंगलोर रे आछि टेस्ट कर चोंदी टेस्ट मो काली स्टेशन रे करथिले मेसेज आछि 24 घंटा पर आसीबो बोली बेंगलोर रे कहिथिले एटे मो रिपोर्ट देखि जाउ छि अच्छा रिपोर्ट देला पर आपन को छाड जे हां गया कथा पचारे कौटी जी कौन करेंगे कौटू आसिले मत छाड़ी निवेदिता आप पूरा पूरी दृश्य देखुले जो यात्री मैंने बाहर आसूँगी नेगेटिव रिपोर्ट धरिकी से सांगे आसुँचल कि स्टेशन रु अलाउ करापर स्टेशन को से छाड़ी जापार जो माखे रिपोर्ट ना से थर्मल टेस्टिंग हो टेम्परेचर अधिक रोचे से आंटीजेन टेस्ट पठा जावेदिता निहत भाव में बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मी साहू आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सदाशोक आमको रेलवे स्टेशन परिसर में जहाँ ताजा चित्र देखाऊ लोकों अर्थात जो यात्री आसुच्चा रिएक्शन सुनाऊ जदि जन पाखे पॉजिटिव कौन सिंबल देखा अर्थात टेम्परेचर रोचे से आइसोलेसन रखा जो मान पाखे रिपोर्ट रही कहीं जहाँ बीएमसी गाइडलाइन रही जहाँ कटक रही से ही अनुसार से फलो कर जनक जन को टेस्ट कर रिपोर्ट देखुंतापर स्टेशन रु बाहर को छाड़ आसवा परवर्त खबर को गजपति जिला पारलाखेमुंडी थाना अंतर्गत जाजपुर ग्राम से 44 धारा जारी कला जिला प्रशासन एठारे हेबाकु थिबा मां नाकटी बबानी ठाकुरानी को यात्रा रे बहु संख्या रे जनसमागम दृष्टि को रखी 44 धारा जारी करा दैछि 12 तारीख रु 21 तारीख जाय ए यात्रा चलिबो गजपति जिला प्रशासन आसंता 21 तारीख संध्या 6 जाय जनसमागम रोकिबा पई 44 धारा जारी करिछि सबडे 5 वर्ष रु थरे हेउतिबा ए ठाकुरानी यात्रा पई महा आडंबर रे ग्रामवासी आयोजन करथवा बेले तहसीलदार ओ थाना अधिकारी डाकबाजी जंत्र जोगे गहळी नकरिबाकु सूचना देछन्ते केवल ठाकुरानी को रीतिनीति करबाकु मास्क पिंधिबाकु ओ गोरु न बारिबाकु सूचना प्रदान करिछन्ति सबडे 3 जण ऑफिसर समेत एक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतन होइछन्ति जाजपुर ग्राम रे ओ
अशांत होइपड़ी पिपिली निर्वाचन मंडली बार दिन रे घटलानी चारिरु ऊर्ध्व राजनैतिक हिंसाकांड उपनिर्वाचन रे बीजेडी बीजेपी होउछंती महामोही आउ रक्तमुखा साजिछंती बीजेडी कर्मी शासक दलर हातबारी साजिछि पिपिली और डेलांग पुलिस गतकाली डेलांग ब्लॉक ब्राह्मणबाड़ ग्राम रे बूथ स्तरीय कार्य पई प्रस्तुति कार्य चालुथवा बेले तीनि जण बीजेपी कर्मी को अतर्कित आक्रमण करथिले चारि जण बीजेडी कर्मी आक्रमण में मनोरंजन बराल सत्यवादी चयनी सागर दास गुरुतर आहत हो डेलांग मेडिकल परे भुवनेश्वर स्थानांतरित होती वर्तमान आहतों अवस्था संकटापन्न रही सूचना मिली यार प्रतिवाद में डेलांग आठबजार रास्त दीर्घ 4 घंटा रास्ता अवरोध करते बीजेपी कर्मी और नेता यापर डेलांग पुलिस आक्रमण कर अभियुक्त को अटक रखा कहवास कोर्ट चलाण कर प्रतिश्रुति धारणारू उठी बीजेपी नेता और कर्मी पर बीजेपी नेत्री अर्थात राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंह गाड़ी को अटकई बीजेडी समर्थक मैंने मंत्री सुशांत सिंह गाड़ी उपरक आक्रमण अभियोग एम्स साई पिपिली निर्वाचनी हिंसा आहत कर्मी को भेटिले बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती बीजेपी कर्मी मनोरंजन बराल और सत्यवादी चयनी को भेटिंट उभय अवस्था गंभीर रही शासक दल जो जन आक्रोशर शिकार हो प्रतिहत करने लोकों स्वर को चपाइवाई आक्रमण करजेपी राज्य सभापति एपरिक मंत्री उपस्थित आक्रमण होता बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती अभियोग करनिर्वाचन बैतरणी पार होने शासक दल भयर वातावरण सृष्टि कर निर्वाचन रे यार उत्तर साधारण जनता देबे बोली समीर महांती कहते ये कौन ये की संकेत दवापी चाहते संपूर्ण रूपे ये हिपोक्रेसी करुछंती गोटे पटे कहउछंती ये अहिंसा को स्थान दवापी संविधान रा प्रीएम्बल रे आ गोटे पटे 30-30 केस रे जंजु हई पिपिली उपनिर्वाचन जितवापी सौजन्यमूलक तो साक्षात जहाँ ना 30 केस युधिष्ठिर सामंतरा भाई सी आस गत रात जो वारंटी जदि तुम गिरफ्त कर तुम्हें से वारंटी को गिरफ्त कले सबू दलर तो जी कौन खाली विजु जनता दल बीजेपी वारंटी जी अच्छा ओल्ड वारंट अच्छी गिरफ्त कर विजु जनता दल छाड़ दब ये पक्षपातिता संपूर्ण रूपे नाली आखि देखे कि भोट नाप बस ये तो गणतंत्र वर्जन्य निश्चित रूपे ये जहाँ परिप्रकाश करुच्ची जो भाई भाव में मनोरंजन बराल को सत्यवाद चैनिक आक्रमण कर अत्यंत गंभीर अच्छी स्थित देखु गणतंत्र प्रतिवाद हूँ जनता निष्पत्ति ने किंतु ये जो धमकी कि पुलिस को हतबारिश कर भोट नवार जो योजना कर अत्यंत दुर्भाग्यजनक निम्नमानर काम जो निर्माण दुई दिन पर उठला पिचु ता पुणी बिना सूचना फलक लक्षाधिक टंकार अर्थ चलु कर ठिकादार और विभाग अधिकारी 2 किलोमीटर रास्तार अवस्था शोचनीय हो पड़ता बेले जातायात असुविधार सम्मुखीन होती तीनोटी पंचायत 2 ग्रामवासी बौद्ध देखा रिपोर्ट रास्ता ना खाई टा निर्माण को 2 दिन पूरला रास्तार उठी जाचु देखंतु ए विजुअल किपड़ हाथ मारु मारु बाहरी जाउची पिचु तरबरिया भाव राति अधरे रास्ता कम करी खाई गले लक्षाधिक टंका 2 किलोमीटर पिचु रास्ता आंगुठी केंजिले उठी जाउची पुला पुला पिचु जानवाहन जातायात पई निर्माण होइतिबा रास्तार अवस्था बेहाल ए दृश्य हेउची बौद्ध सदर ब्लॉक कमिरा गांरु बड़ी गांव को संजो करथिबा रास्ता प्राय 3 पंचायतवासी निर्भर रास्ता उपरे रास्ता ग्राम्य उन्नयन पक्ष 45 लाख टंका व्यय अटकल होता 2020 मसीहा जनवरी 25 तारीख में आरंभ हो 2021 जनवरी 24 रे रास्ता कम शेष होबार थिला अवधिर 3 मास कार्य आरंभ नहिबारु बारंबार दाबी परे अति तरबरिया भाव निम्न मानर रास्ता कम कर लक्षाधिक टंका चलु कर अभियोग काम बिना फलक पिचु डालिकिना आउ जेनटा मिशनारी काम से लोक मैंने मानने बेलचारे से मारिकिना बिना रूलर से सामान लेबुल भी ठीक ना आसी जेनटा हाथ भी उठी पड़ूजे
ଆଉ ଏଇଟା 45 ଲକ୍ଷରୁ କାମ ହେଇଛି ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼, ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ବି କାମ ସେଟା ନାହିଁ ଇଏ କରି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ କରି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ହାତରେ ବି ସେଟା ଉଠି ପଡ଼ୁଛେ, ଗୁଡ଼ରେ ବି ମାଇଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛେ। ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ତ କରୁନ୍, ନହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘେରାଉ କରମୁ। ସେଟା ହାତରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ର ହାତରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦବି ଯାଉଛି, ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖିଲାକୁ ଉପର ଉପରେ ଖାଲି ନେଇଛନ୍ତି, ଶୈଳୀ ସୁଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବିନା ପାଗରେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଭଲ ହିସାବରେ ହେବ, କେମିତି ଆସିକିନା ଏଇଟା ଭଲ କାମ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ କମିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କିଷାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ପିଚୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇମର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ଢାଳିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମିଶ୍ରଣର ଅନେକ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଉଠିଥିବା ପିଚୁକୁ ପୁନର୍ବାର କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାମକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାମ ହେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନମାନିରେ ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାମକୁ ଉନ୍ନତମାନର କାମ ଆଉ ଥରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ କାମ ନ ହୁଏ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼କୁ, ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି ଆର୍ ଡି କରିଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ଗତ ରାତିରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଚୁରେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ ପିଚୁ ଉପରକୁ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଯେନ୍ଟା ଉଠୁଛେ ସେଟା ହେଲା ସେଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ପେପର ଫିନିସର୍ଟା ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ, କେନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା, ହେଲେ ହାବାରେ ମାଲା ସେ ତିନି ହାବା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଆଉ ପୁରା ଲଗାଲଗି ତାର ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଖାଇ ଯାଇନି ହେଇପାରିଲା, ଗ୍ୟାର ରହିଗଲା ମାଲଟା, ବୋଲେ ମାଲଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଉପରେ ରହି ରହିକି ପିଚୁଟା, ବୋଲେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ତାର ଆଉ କିଛି ତ ଉପାୟ ନାଇଁ ଆଉ, ବୋଲେ କି ମାଲ କାଲି ପକେଇବା ବୋଲେ ତାପରେ ମାନୁଆଲି ସେଟା କରାହେଲା, ହେଲା ମାନୁଆଲି କରିକି ସେଟା କରାହେଲା, ହେଲେ ଯେନେ ଟିକେ ଉପରେ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଉଠିଛି, ହେଲା ସେ ଉପରେ ଯେନ୍ ହାବାରେ ଅନଲୋଡ କଲା ଉପରେ ଟପ୍ରେ ରହିଲା, ହେଲେ ପଡ଼ବା ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଉପର ଉପରଟା ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଟା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଇଏ ହେଇଛି ସେଟା ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରିଦେବ ସେଟା ହେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠୁ ଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।